नमस्कार, आज मैं आपके सामने वही अपनी वंदना पुस्तक से एकात्मकता स्तोत्र का 15 तक के श्लोकों का मैं आपको बता चुका था। 15 से 20 के ये श्लोक और हैं, 5 श्लोकों का, और आज मैं आपको उच्चारण और उससे संबंधित अर्थ फिर बाद में बताऊंगा। और मैंने अपने लिए ये लिखा है, आप लोगों के लिए मैं उसमें फिर चित्र को सामने ला कर उस चीज़ को कर लेंगे, आप उसे आराम से अपनी कॉपी में उतार लेंगे। और सभी बच्चों को ये काम करना 6th ग्रेड, इसलिए इसको ध्यान में देंगे उच्चारण को, जो मैं आपके सम्मुख यहाँ पर बोलूँगा, और अर्थ और उसको गाने का तरीका फिर बात है। तो पहला श्लोक जो है 15 तक मैंने पहले वीडियो में लिखा चुका हूँ, अब ये 5 और हैं, तो 15 और ये 20 हो जाएंगे। आप झूले लालो अथ चैतन्य, कैसे पढ़ना, झूले लालो अथ चैतन्य तिरुवल्लु वरस तथा, तिरुवल्लु वरस तथा नान्या मारा वालश्य कम्बश्य बश्वेश्वरा। अगला है देवलो रविदासश्च, आधा सौ है, देवलो रविदासश्च कबीरो गुरु नानक नरसिं नरसी, तो नरसिंह का आधा सौ भी है, नरसे तुलसी दासो दशमेशो दृढ़ाव्रता श्रीमत शंकर देवश्च बंधु साय माधवो ज्ञाने स्वरस्तु कारामो रामदासः पुरंदर विरसा सहजानंदो रामानंदस तथा महा, रामानंदस तथा महा वितरंतु सदैवते देवी सद्गुण संपदम। अब एक एक लाइन उसको एक करके भी बोलना, अलग अलग मैं आपको अलग अलग तोड़ के बता रहा हूं, और आप उसको एक करके उसको बोलेंगे तब होगा। महर्षि भरत ऋषि, भरत ऋषि कालिदास श्री भोजो जकड़स तथा सूर्यदासस्य त्यागराजो रसखानस्य सत्कवि। यानी कि स्त्रोत का मतलब होता है वो जो भी हम इसमें करते हैं अपने पूर्वजों के द्वारा भारतवर्ष में किए गए कार्यों का हमारा इसमें वर्णन है, और हम स्त्रोत का मतलब गायन करना, उनके करे किए गए महान चीज़ों को हम उसको गायन करते हैं ताकि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल ना पाए। तो इस विद्या भारती के इसमें पूरे श्लोकों में जितनी भी हैं अपने भारत में जितनी भी संस्कृति और सभ्यता को बढ़ाने के लिए, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उसको बढ़ाने के लिए इस जो भी काम हमारे महापुरुषों के द्वारा किए गए हों तो वो सब काम हम करते हैं इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत वो सभी कार्य हम करते हैं जो कि हमारे उनका बखान करते हैं जो कि हमारे द्वारा गाए गए बच्चों के द्वारा जो गाया जाता है वो महान पुरुषों का इसमें वो है वृतांत है। तो उसको गाने का एक तरीका है, तो और उच्चारण का एक तरीका है, तो वो सब इसमें लिखा है, मैंने आपको बताया। अब मैं एक एक शब्द करके और बता रहा हूँ आपको, झूले लालो अथ, अब मिला के अथ चैतन्य तिरुवल्लु वरस तथा नान्या मार वालस्य कम्बश्य बसवेश्वर देवलो रविदासस्य कबीरो गुरु नानक नरसिंह तुलसीदासो नरसिंह तुलसीदासो दशमेशो तृणव्रता श्रीमत शंकर देवश्च वंदु सायण माधवो ज्ञाने स्वरस्तुकारामो रामदासः पुरंदर विरसा सहजानंदो रामानंदस्तथा महा वितरंतु सदैवते देवी सद्गुण संपदम भरत ऋषि कालिदासो श्री भोजो जकड़स्त तथा सूर्यदासस्य त्यागराजो रसखानस्य सत्कवि।
यानी जितनों ने भी कार्य करे उन सबका वर्णन इस एक आत्मदत्त सूक्त में रहता है। और अब मैं इसके जो भी है इसके लिखे हुए के पुस्तक को आपके सामने लाने का लाऊंगा और आप उसे वैसे ही उतार लेंगे। यहाँ से इसको आप पहुंच करके अपनी पुस्तक को उतार लेंगे। पांच श्लोक और लिख लेंगे तो 15 और 5 ये आपके 20 हो जाएंगे। और इन श्लोकों को गाने का तरीका मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। और अभी 3 बार ओम के पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इसको बजाना कैसे गाना कैसे वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा।